ये देखें विवर रोटी है हमारी, बेसनी नमकीन रोटी है, तैयार है माशाल्लाह से। देखें लुकिंग वाइज भी नाइस है और टेस्ट वाइज भी बहुत जबरदस्त है। आज हमने भी टेस्ट की है, अभी तंदूर से बन के आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल यस क्रिएटिविटी। पीपल्स क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? पीपल्स आज मैं आपके लिए ना मिस्सी रोटी बनाने की रेसिपी लेके आई है। हमारे इधर का वेदर बहुत अच्छा है तो हमने कहा हम बनाने लगे, हमने कहा आपके साथ भी शेयर करें। तो सबसे पहले हम लोग ना ये यीस्ट इसमें डाल के ना खमीर इसका करते हैं। पहले ये कुनकुना सा नीम गर्म पानी लिया हमने, इसमें एक टेबलस्पून हम चीनी डाल रहे हैं, तो एक पैकेट यीस्ट का जाएगा। ये हमने इसको रख दिया, थोड़ी देर पड़ा रहेगा तो ये खमीर इसका उठ जाएगा। कुनकुना सा नीम गर्म पानी है, बस दो तीन मिनट तक ये रेज हो जाएगा तो फिर हम आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। टेस्ट हमने किया था, ये भी खमीर होने लग गया है। और ये बेसन हमने लिया हाफ के जी, 1500 हमने आटा लिया और 500 ग्राम हमने बेसन लिया। बेसन यानी कि 1.5 किलो आटा और आधा किलो बेसन। हाँ, 2 किलो हो गया, 2 किलो आटा। इसको पहले हम ना आटे के साथ ना बेसन को मिक्स कर लेते हैं। यू मिक्स कर लेना इसको सारा, हमने ये सारा मिक्स हो गया। ये देखें वेवर, आटा और बेसन मिक्स हो गया। सेंटर में होल बना के ना इसका, तो इसमें हम सब चीजें डालते हैं। पहले हम यीस्ट डालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा खमीर उठ गया इसका। ये देखिए बड़ी अच्छी सॉफ्ट और फ्लैपी सी रोटी बनेगी नमकीन। ये देखिए, ये देखिए व्यूअर कितना मजे का। ये एक टीस्पून, हाफ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है, एक टीस्पून मैंने जीरा लिया है साबुत, और ये नमक हमने 1 से 1.5 टेबल स्पून लिया। एक टी स्पून हमने ये कुटी हुई लाल मिर्च ली है, तो ये धनिया पाउडर और सुरख मिर्च ली है थोड़ी सी, क्योंकि हमने दूसरी मिर्ची डालनी। और ये हमने लिया कसूरी मेथी, इसको जरा यूं हम मैश कर लेते हैं। तो ये इसमें जा रहे मसाले, खैर मैं इधर रखती हूँ। बर्तन अच्छी तरह साफ करने चाहिए ताकि कुछ वेस्ट ना हो। और ये मैंने प्याज लिया, ये 3 अदद प्याज लेके इसको चॉप करके तो हमने ना इसको ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह से। हमने ब्लेंड करके ये 3 अदद दरमियाने साइज के प्याज है, ये भी इसमें जाएंगे। ये बस सुरख मिर्चें थी, मैं मार्केट गई, मुझे बड़ी मजे की लगी तो वो मैं लेके आई हूँ। तो वो मैं हम ना 1 टीस्पून ये डाल देते हैं, 1 टीस्पून ही बहुत है, 1 टेबलस्पून। हाँ सॉरी, 1 टेबलस्पून। और 1 टेबलस्पून हम ये ग्रीन चिली वो पीस के रखी है ये डाल देते हैं। इनका अपना ही फ्लेवर होता है, बहुत मजे का और बड़ी स्पाइसी। मिर्चे और प्याज ना पिसा हुआ डालते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन टेक्सचर में समझ नहीं आती क्या क्या डला हुआ, क्या क्या डला हुआ। बिल्कुल बहुत मजे के ये नान टाइप लगते हैं। हाँ, और ये नान डालने की वजह से बिल्कुल ये बड़ी अच्छी और बड़ी जबरदस्त। और हमने जो भी आटा गूंदना है ना, ये हमने हार्ड गूंदना है, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तंदूर वाले फिर रोटी लगा के नहीं देते। और आप भी प्रेफर तो यही है कि आप तंदूर से लगवाएगा, लेकिन आपके एरिया में अगर तंदूर नहीं है तो इसे आप बेक भी कर सकते हैं। बेक भी कर सकते हैं, जैसे तवे पे बना सकते हैं। 10 से 15 मिनट लगते हैं ना इसे, मेरे ख्याल 10 से 12 मिनट, 8 से 10 मिनट में ये बेक हो जाती है। ये अब इसको ना पानी से गूंदा जाएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के बस। हार्ड सॉइल से भी हार्ड डो बनानी है इसकी भी। मैं वेवर इसलिए ग्लव्स पहन लेती हूँ कि मेरे हाथों में मिर्चे ना लगे, लेकिन ये है कि ये ग्लव्स पहन के ना काम नहीं होते इस तरह के, लेकिन कोई नहीं, अब मजबूरी है, फिर मिर्चे लगती है हाथों में। कितना स्मूथ आटा गूंद के ये भी मैंने ना हार्ड सा रखा है, सॉफ्ट नहीं है ये, जरा थोड़ा सा पड़ा रहेगा ना बड़ा अच्छा हो जाए। ये देखिए बिल्कुल सही हो गया, इसको 5-10 मिनट तक ना जैसे रैप करके हम रख देते हैं, 5-10 मिनट तक ना इसको, फिर हम दोबारा गूंदते हैं, फिर हम तंदूर पे लेके जाएंगे। ये देखें इन्हीं रोटियों का आटा देखे तैयार है, जब ये राइज हो जाएगा तो ये ऐसा होगा। ये देखिए ऐसा होना चाहिए, हार्ड भी है और राइज हो के ऐसा है, चेक करें आप। ये देखें विवर रोटी है हमारी, बेसनी नमकीन रोटी तैयार है माशाल्लाह से। देखें लुकिंग वाइज भी नाइस है और टेस्ट वाइज भी बहुत जबरदस्त है। आज हमने भी टेस्ट की है, अभी तंदूर से बन के आई है। तो इसके साथ हमने मैंगो लस्सी हमने बनाई है, दही रखा है, और ये चटनी पुदीने और आम की, कच्चे आम की चटनी बनाई है, ये भी हमने बना के आपको दिखाई हुई है।
तो व्यूवर देखिए कितनी मजे की, और देखने में लुकिंग वाइज भी नाइस है और खाने में भी टेस्टी है। व्यूवर ये रेसिपी भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल एस क्रिएटिविटी को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओके व्यूवर, अल्लाह हाफिज।